नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अन्ना हजारे का अनशन हुआ समाप्त, केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद माने अन्ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त। सीबीएसई के पेपर लीक मामले में छात्रों का आक्रोश, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, मंत्री बोले नहीं बचेंगे आरोपी। धूमधाम से मनी भगवान महावीर जयंती, जगह जगह निकाली शोभा यात्राएं, जैन समाज के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर। और पुलिस के हस्ते चढ़ा हवाला का आरोपी, 4 करोड़ किए बरामद, आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में युवक को दबोचा। और अब समाचार विस्तार से। 23 मार्च से रामलीला मैदान में सशक्त लोकपाल, चुनाव सुधार प्रक्रिया और किसानों की मांगों को लेकर अनशन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार से मिले आश्वासन के बाद अन्ना ने यह फैसला लिया। अन्ना का अनशन खत्म कराने के लिए गिरीश महाजन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने अन्ना को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। दिल्ली के रामलीला मैदान में 23 मार्च से अनशन पर बैठे अन्ना हजारे की लगातार तबीयत खराब हो रही थी। अन्ना के स्वास्थ्य की देख रेख कर रहे डॉक्टर धनंजय ने बुधवार को बताया कि अन्ना का वजन 5.5 किलोग्राम कम हो चुका है और वही ब्लड शुगर भी 186 से 100 है, जो काफी ज्यादा है। शुगर के स्तर में भी काफी गिरावट पाई गई। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने और पानी पीने की सलाह दी गई। पिछले 2 दिनों से केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन और अन्ना के बीच हो रही बातचीत भी विफल हो गई थी। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो मसौदा पेश किया गया उसे अन्ना हजारे ने ठुकरा दिया था। बुधवार को अन्ना ने कहा कि सरकार फसल की बिक्री का मूल्य निर्धारित करे, अगर किसानों को निर्धारित मूल्य से कम दाम मिलता है तो उसकी भरपाई सरकार करे, कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले और स्वायत्तता दी जाए, साथ ही सरकार किसानों का कर्ज भी माफ करे। इन सब मुद्दों पर केंद्र सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के बाद आज अन्ना ने अनशन समाप्त कर दिया। 2 दिनों से केंद्र सरकार द्वारा अन्ना को समझाने के लिए किए गए प्रयासों के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आश्वासन भेजा, जिसे अन्ना सहमत हुए और फडणवीस ने अन्ना को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र के परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात भर छापेमारी की। छापेमारी की यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई इलाकों में भी की। कई कोचिंग सेंटरों पर भी कार्यवाही की गई। वहीं जानकारी सामने आई है कि सीबीएसई ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसे इस बाबत 23 मार्च को शिकायत मिली थी, जिसमें आरोपी का नाम भी सामने आया था। पुलिस इस मामले में अब तक 25 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद इससे जुड़े छात्र छात्राओं में आक्रोश देखा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था कि छात्रों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। सीबीएसई के 10वीं का गणित का पेपर और 12वीं का अर्थशास्त्र के पेपर लीक होने के बाद हरकत में आई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में छापेमारी की। इसमें अनेक लोगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस जल्द ही इस मामले में अहम खुलासा कर सकती है। बता दें कि पेपर लीक मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच का एक विशेष जांच दल गठित किया। विशेष पुलिस आयुक्त आरपी उपाध्याय के मुताबिक एसआईटी के नेतृत्व में संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार कर रहे हैं। विशेष पुलिस आयुक्त आरपी उपाध्याय के मुताबिक एसआईटी का नेतृत्व
संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस इसे भी मुद्दे के रूप में भुनाने में लगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर न सिर्फ मोदी को ही कटघरे में खड़ा किया बल्कि एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को तुरंत इस्तीफा देने की मांग रखी है। जवाबदेही सुनिश्चित हो जब तक श्री प्रकाश जावड़ेकर और सीबीएसई चेयरपर्सन दोनों को अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई निष्पक्ष जांच संभव नहीं। हम मांग करते हैं एचआरडी मिनिस्टर को और सीबीएसई चेयरपर्सन को अपने पद से पदमुक्त किया जाए। उधर मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है आज के दिन इसकी सेंसेशनलिज्म को न बढ़ाते हुए मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सिस्टम भी सुधरेंगे, गुनहगारों को भी पकड़ेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में जो क्राइम आया है उसको खत्म करना यह हमारा सबका चैलेंज है। इसको हम तह तक जाएंगे। सिस्टम भी एसआईटी ये जो बनाया है पुलिस ने, क्राइम ब्रांच, और हमने भी एसआईटी भी बनाया है और हमने भी एक इंटरनल जांच कर रहे हैं और दोनों के जो परिणाम आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और उन पर कल से न अन्याय हो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को सीबीएसई ने कहा था कि उसके पास 23 मार्च को फैक्स के जरिए पेपर लीक होने की जानकारी मिली थी। शिकायत के मुताबिक 23 मार्च को फैक्स के जरिए बताया गया था कि पेपर लीक के पीछे विक्की नाम का शख्स है, यह शख्स कोचिंग सेंटर चलाता है। अब सीबीएसई ने अपनी शिकायत में राजेंद्र नगर के 2 स्कूलों को भी पेपर लीक में आरोपी बनाया है। बताया गया है कि पेपर लीक की शिकायत पहले सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में की गई जिसकी एक कॉपी बाद में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुशील यादव के व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड की गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद 26 मार्च 2018 तक बिना पते का लिफाफा रोज एवेन्यू स्थित सीबीएसई के एकेडमिक यूनिट में डिलीवर हुआ। इस लिफाफे में 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स विषय के हाथ से लिखे 4 पेपर जवाबों के साथ मिले थे। देश भर सहित राजस्थान में भी धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर का जन्मदिवस। अलवर में महावीर जयंती जन्म महोत्सव समिति की ओर से सकल जैन समाज द्वारा महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने झंडारोहण किया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दादावाड़ी मंदिर पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने शिरकत की। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म दिवस के अवसर पर जयपुर में भी जैन समाज द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। अलवर में भी महावीर जयंती महोत्सव समिति द्वारा आयोजन किया गया जिसमें शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने ध्वजारोहण किया। वहीं अलवर जैन औषधालय से शोभा यात्रा निकाली गई जो प्रमुख मार्गों से होते हुए अभय समाज के सामने स्थित दादावाड़ी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े कई तरह के बैंड ताशा पार्टी सहित भगवान महावीर से जुड़ी विभिन्न झांकियां शामिल थी। वहीं शोभा यात्रा में भगवान महावीर की प्रतिमा पर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में सकल जैन समाज के लोग शामिल रहे। महावीर जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे अलवर शहर में जैन समाज के द्वारा मनाया जा रहा है जिसमें देश विदेश से बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं। जैन समाज के अंदर अति उत्साह का माहौल है। 2616 महावीर जयंती महोत्सव है जो यहाँ से भाई बंद पार होकर बजाजा बाजार घंटाघर होते होकर के वास्तविक भगवान मंदिर दादावाड़ी पहुँचेगा। दोपहर 12:30 बजे अमेरिका से उषा बहन आई हुई है, वो इसका भंडारण करेंगी। जन कल्याण बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे हमारे अतिथियों, आचार्य महाराज, साधु मंडल और हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष महिला पुरुषों ने भाग लिया। बड़ा हर्ष का विषय है। आज पूरे जुलूस में भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेंगे। कल का कार्यक्रम इसी तरह दिन में सुबह 8 बजे से भैरव महापूजन का 108 जोड़ों के साथ राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर, और दिन में स्कूलों के बच्चों के कार्यक्रम, शाम को वैभव
बागमार गया गायक कलाकार की भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। परसों अर्थात 31 तारीख को रथ जुलूस की वापसी होगी ये पाचुपुज भगवान के मंदिर से वीरवल के मोहल्ले के मंदिर दावन पाचार मंदिर पर। भगवान महावीर की जन्म जयंती का कार्यक्रम बन रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ मंत्रोच्चार के साथ सभी साधर्मी बंधुओं के साथ और सभी अलवर के सभी समाजों के साथ। यह उत्सव 3 दिवस तक चलता है, कल से प्रारंभ हुआ था और अभी कल सायंकाल तक कार्यक्रम चलेंगे। मैं सभी साधर्मी जैन बंधुओं को और ऐसे सभी लोग जो भगवान महावीर के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं उन सबको भगवान महावीर की जन्म जयंती की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ भगवान महावीर का अमर संदेश जियो जीने दो, यानी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हर व्यक्ति का परम धर्म है। सब जीवों के प्रति हम दया करें, केवल हिंसा किसी को मारने काटने से नहीं होती, हिंसा वचनों के द्वारा भी होती है, किसी का मन दुखाने से भी होती है। तो ऐसा प्रयास करेंगे किसी को वचन से, कर्म से, मन से, किसी भी प्रकार से हम किसी भी प्रकार का कोई कषाय करके किसी भी व्यक्ति के मन को आघात नहीं लगाए। भगवान महावीर ने जिस प्रकार से ऐसे लोगों को भी माफ किया जिन्होंने भगवान महावीर के कानों में कीले ठोक दिए, उन लोगों के प्रति भी किसी प्रकार का विषाद नहीं रखा और उनके प्रति भी कोई मन खराब नहीं रखा, उनको भी आशीर्वाद दिया। आज ऐसे समाज की कल्पना हम सब करते हैं। भगवान महावीर के जन्म जयंती कार्यक्रम की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आयकर विभाग ने पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली से जयपुर आ रहे एक युवक के पास से 4 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। उसे ये रुपए भीलवाड़ा के एक नगर परिषद पार्षद के यहां पहुंचाने थे। आईजे बीजू जॉर्ज जोसफ ने फिलहाल टेरर फंडिंग की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि मामले में हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, इसके लिए पार्षद और अन्य लोगों के घर सर्च जारी है। 4 करोड़ की ये रकम हवाला की भी हो सकती है। आयकर विभाग के अनुसार सूचना मिली थी कि दिल्ली से अहमदाबाद जा रही श्रीनाथ ट्रैवल्स की बस में बनवारी नाम का एक युवक अवैध रूप से 4 करोड़ रुपए लेकर जा रहा है। इसके बाद हरकत में आई आयकर विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से युवक को मनोहरपुर टोल नाके पर बस से उतार लिया। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो 4 पैकेट में 4 करोड़ रुपए रखे हुए थे। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बनवारी को ये 4 करोड़ रुपए भीलवाड़ा के एक नगर परिषद पार्षद फैजल राउफ को देने थे। बनवारी ने अपने आप को पार्षद का कर्मचारी बताया। पूछताछ में बनवारी ने यह रकम फैजल की होना बताया, जिसके बाद इनकम टैक्स और एटीएस की टीमें भीलवाड़ा स्थित फैजल के मकान पर सर्च कर रही हैं। एटीएस की प्रारंभिक पूछताछ में बनवारी ने बताया कि फैजल राउफ और दीपक समतानी नाम के व्यक्ति के लिए काम करते हैं। हवाला कारोबारियों का एक ऑफिस दिल्ली में चांदनी चौक में भी होना बताया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक 80 वर्षीय वृद्धा की हत्या की गुत्थी जल्द सुलझाने और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजे जाने से पुलिस की कार्यशैली पर प्रभावित स्थानीय लोगों ने एनबी थाना पुलिस टीम का सम्मान किया है। पिछले दिनों एनबी थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर अलवर में हुई एक वृद्धा की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस दौरान वृद्धा के सोने के आभूषण सहित नकदी भी लूट ली गई थी। वहीं पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए पुलिस कप्तान राहुल प्रकाश ने विशेष टीम बनाकर हत्यारों को ढूंढने में लगाया। इसमें एनबी थाना SHO देवेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने हत्या के मात्र 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा और क्षेत्रवासियों ने एनबी थाने की पूरी टीम का सम्मान किया। वहीं IPS अनिल बेनीवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट नगर में जो एक मर्डर हुआ था उसको इन 3 डेज SHO NEB की टीम ने उसको खोला था और उसी से रिलेटेड आज दाउदपुर पटेल मोहल्ला वालों ने जो पुलिस की जो टीम थी जिसने उसके ऊपर काम किया था उनको आज यहाँ पे सम्मान किया है। उन सभी को SP अलवर राहुल प्रकाश जी की तरफ से उन सभी को बधाई देता हूँ और सारे मोहल्ला वासियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सारी पुलिस टीम की हौसला अफजाई की। मुंडावर थाना पुलिस ने गत शुक्रवार 23 मार्च को गांव उलाहेड़ी में एक मुर्गी फार्म हाउस से कर्मचारी को बंधक बनाकर 1800 मुर्गियां चोरी करने की घटना का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों सहित चोरी के लिए काम में लिए गए 2 वाहनों को भी जब्त किया है। थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि दिनांक 23 मार्च को गांव उलाहेड़ी निवासी लाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह यादव ने मामला दर्ज कराया था कि 23 मार्च रात्रि को करीब 11 बजे पिकअप में सवार 6-7 व्यक्ति उलाहेड़ी गांव स्थित उसके मुर्गी फार्म पर सो रहे कर्मचारी हीरालाल को बंधक बनाकर 1800 मुर्गे पिकअप में भरकर चोरी करके ले गए, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देशन में एक टीम गठित कर अज्ञात चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू की गई। इसमें पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही चोरी में लिए गए दो वाहन भी जब्त किए हैं। ये 23 की रात्रि को लाईडी का लाल सिंह यादव पर पोल्ट्री फार्म है, उसमें मुर्गी चोरी की वारदात हुई। चांदपुर गांव का मैन जो अभियुक्त है, इसमें जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम है नंदूर, जाति से आई है। वो इस पोल्ट्री फार्म से कई बार खरीद फरोख्त की है उसने मुर्गों की, और आगे जाके उसके पास में खुद का एक टैंक हुआ है जिससे वो मुर्गियों की सप्लाई करता है जी। उसके आधार से उसने रेकी की इसकी, और रेकी करने के बाद अपने अन्य 7 सहयोगी जो पहरोल में रह रहे हैं, अलग अलग तरीके से जॉब करते हैं, कोई मुर्गा काटने का काम कर रहा है, कोई नगर पालिका में नौकरी कर रहा है, उनको एकत्रित करके और कार्य योजना बना करके और रात्रि को 22/23 की मध्यरात्रि को इस वारदात को अंजाम दिया है। इसमें हमने मुखबिर के आधार से और लोकल सोर्स के आधार से कुछ CCTV फुटेज कैमरा के आधार से इसको ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद में मैन अभियुक्त नंदूर दुष्यंत को गिरफ्तार किया है, और उससे बाद जांच तफ्तीश मुर्गे ले जाने में जो व्हीकल काम में लिए हैं उनको बरामद किया है, पकड़ा कराया गया है, और बाकी के और इस घटना में जुड़े हुए नंदू के अतिरिक्त 7 आदमियों को राउंडअप किया है, उनको अभी गिरफ्तार किया है, न्यायालय में पेश करेंगे। और इस माल की सप्लाई कहाँ दी है और इस वारदात से जुड़े हुए और भी कोई लोग हैं या इन अपराधियों ने इससे पहले और भी कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, उसके बारे में जानकारी हासिल। बहरोड कस्बे के पुलिस थाने ने 15 दिन पहले कुंड रोड पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में की गई फायरिंग के मामले में गुरुवार को 2 फरार आरोपी गिरफ्तार किए हैं। थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि 13 मार्च को सायंकाल के समय कुंड रोड पर काका मार्केट में स्थित एक ऑफिस पर 3 बदमाशों ने मिलकर 2 फायर किए थे, जिनके पीछे निरंतर पुलिस टीमें लगी थी। पुलिस टीम ने घटना का मुख्य आरोपी रवि यादव और कृष्ण यादव को सबलपुरा मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है, जिनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लाया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य वारदातें खुलने की भी संभावना है। वहीं गिरफ्तार आरोपी भैरू आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस थाने में मारपीट और आर्म्स एक्ट के कई दर्जन मामले दर्ज हैं। 13 मार्च को फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 2 आरोपी भीम और भैरू फरार थे। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। इसके सहयोगी भीम वारदातों में संरक्षण देता रहा है, जिसके खिलाफ एक मारपीट और एक जानलेवा हमले का मामला भी पुलिस थाने में दर्ज है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अन्ना हजारे का अनशन हुआ समाप्त, केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद माने अन्ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त। CBSE के पेपर लीक मामले में छात्रों का आक्रोश, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, मंत्री बोले नहीं बचेंगे आरोपी। धूमधाम से मनी भगवान महावीर जयंती, जगह जगह निकाली शोभा यात्राएं, जैन समाज के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर। और पुलिस के हस्ते चढ़ा हवाला का आरोपी, 4 करोड़ किए बरामद, आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में युवक को दबोचा। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।